हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो ऑफ रियल क्रिकेट 2022। पिछली वीडियो में आप सबको याद होगा कि हमने पहले 10 ओवर जो है खेले थे, क्रूसेड का मैच 1 और यहां पे पाकिस्तान वर्सेस नेपाल है मैच 1। जो जीतेगा वो आगे जाएगा, जो हारेगा वो टूर्नामेंट से बाहर भाई। तो यार पहले 10 ओवरों में हमने 111 बनाया 4 विकेट्स के नुकसान पर, और यहाँ पे हमारा अगला आगे से जो है 10 ओवर स्टार्ट हो गया और हमारा एक और आउट हो गया भाई। इफ्तिखार अहमद गोन भाई, इफ्तिखार अहमद की विकेट गिर गई और यहाँ पे इमाद वसीम स्ट्राइक पर आया भाई साहब। वीडियो शुरू होने से पहले यहाँ पे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें भाई। यहाँ पे चौका हमारे हाथ में आ गया भाई, स्ट्रेट का चौका निकाला है, काफ़ी अच्छा चौका निकला है रिजवान की तरफ से भाई। राजवंशी को पड़ा, राजवंशी ने अपने पिछले ओवर तो अच्छे कराए, 2 ओवर पहले अच्छे कराए हैं, बाकी हमें इसे मार पड़ी है। बट एक और चौका भाई, स्ट्रेट के 2 लगातार चौके पड़े हैं राजवंशी को, 39 हो गए यहाँ पे रिजवान के। और ड्रिफ्टर बॉल आई है अगेन सामने की ट्राई करेंगे, बट इस पर लॉफ्ट नहीं था भाई, तो इसलिए सिंगल ही हमारे हाथ में आएगी। 10.5 ओवर्स हो गए हैं यहाँ पे, इमाद वसीम ऑन स्ट्राइक, बेस्ट 47 है इमाद वसीम के, तो यहाँ पे देखते हैं आज इमाद कितना स्कोर कर सकते हैं। और भाई यहाँ पे ट्राई करेंगे पहले पीछे की मारने की, और टच हो गई है, मुझे लग रहा था टच नहीं होगी, बट यहाँ पे सिंगल अगेन हमारे हाथ में आ जाएगी। ओवर थ्रो बट बॉलर उधर तक पहले ही पहुँच गया भाई, ये कौन सी एडवांसमेंट है भाई, ये क्या है। नेक्स्ट ओवर भाई, करण ऑन स्ट्राइक, 1 रन है इमाद वसीम का। नेक्स्ट बॉल सामने की जो है स्ट्रोक ट्राई करते हैं, 9 रन भाई, कोई रन नहीं इस बॉल पे हाथ में आया। नेक्स्ट बॉल में देखते हैं, नेक्स्ट बॉल में क्या पता आज है भाई, इमाद वसीम आराम से ही खेले तो अच्छा है, उधर से रिजवान उठा के रखेगा भाई तो अच्छा है भाई, कोई कसर रहेगी नहीं फिर यहाँ पे। ओ भाई, अबे वार्निंग भी दे दी उसने, बट बार बार बचाऊं भाई, इमाद वसीम यहाँ पे बोल्ड होते होते बच गया भाई, बहुत क्लोज था बॉल यार। यहाँ पे अगेन पीछे की ट्राई करेंगे हम यार, पीछे की मारते मारते मैं काफ़ी दफ़ा आउट होते हुए बचाऊँ। चलो भाई फिर दोबारा से तुम्हारी है, बट यहाँ पे डबल अगेन हमें मिल गई है भाई। नेक्स्ट बॉल और यहाँ पे करण का अच्छा ओवर जा रहा है, पिछले ओवर इन बहुत बुरे गए हैं भाई, बहुत बुरे गए हैं, गुरे गए हैं क्या मैं बोली जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे ये ओवर अच्छा जा रहा है करण का, और इसी के साथ अच्छा इख्तिताम ही हो जाएगा, वैसे भी इसको बहुत गुड पड़ गई आगे। इमाद वसीम का स्ट्राइक रेट स्लो जा रहा है, बट रिजवान तो ऑन फायर ही जा रहे हैं भाई। यहाँ पे इन स्विंगर आई है, थोड़ी सी ऊपर बॉल ट्राई करूँगा मारने के लिए, और भाई कैच हो गया। अबे भाई ये टारगेट तो 150 भी मुश्किल ही लग रहा है मुझे। इमाद वसीम भी 3 पर आउट, शदाब खान आ गए हैं भाई। यहाँ पे रिजवान ऑन स्ट्राइक, 6 विकेटें उड़ गई हैं भाई, आगे से बहुत मुश्किल हो जाता है 6 विकेटों के बाद। अगर भाई मैं इन दोनों को लेकर चलता हूँ तभी कुछ होगा। यहाँ पे शॉट लगाई और चौका हमारे हाथ में आ गया, रिजवान से अच्छे चौके जा रहे हैं बट और किसी जो है बैट्समैन से नहीं जा रहे। शदाब खान ऑन स्ट्राइक, 63 बेस्ट है शदाब खान का। और यहाँ पे माला बॉलिंग पर है, माला है, मेला है, लेला है, जो भी है भाई मुझे नहीं पता यार। यहाँ पे पुश मारी बट भाई टच नहीं हुई यार, ये ना करो भाई, टच तो करने दो यार, ऐसे ना करो यार, ज्यादती हो जाती है। पुश अगेन, पुश उधर की ट्राई करूँगा भाई, एक तो एड पीछा नहीं छोड़ते मेरा, दोबारा से ट्राई की। यहाँ पे सिंगल तो इस बार हमें मिल ही जाएगी भाई, दोबारा से रिजवान ऑन स्ट्राइक, रिजवान की 50 हो जाए क्योंकि पिछली बार फ़खर की 50 भी होते होते रह गई थी भाई, 46 पर मैंने फ़खर को आउट करा दिया था यार, जल्दबाजी के चक्कर में फ़खर मैंने आउट करा दिया। और यहाँ पे सिंगल दोबारा से मिल जाएगी, दोबारा से शदाब खान ऑन स्ट्राइक, तो भाई यहाँ पे अच्छी फील्डिंग हो रही है, काफ़ी अच्छी फील्डिंग हो रही है, सिर्फ अच्छी नहीं कह सकते भाई। यहाँ पे एक तो स्पिनर का उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि स्पिनर मेरे से इतना कोई खेलने नहीं होता खास,
दोबारा से पीछे की, यहाँ पे बिल्कुल पीछे की ट्राई करेंगे, यहाँ पे सिंगल अगेन मिल जाएगी हमें रिजवान को दोबारा से स्ट्राइक पर लेकर आते हुए भाई यहाँ पे। अब बॉल देखते हैं कोई अच्छी आए या कोई गैप मिले हम तो उस जगह पे जो है हम मारें। भाई यहाँ पे स्ट्रोक की ट्राई करूँगा मैं, लॉफ्ट का रिस्क अभी बिल्कुल नहीं ले रहा भाई, सिंगल दोबारा से आ जाएगी। शादाब खान फिर दोबारा से स्ट्राइक पर भाई, 131 स्कोर हो गया, बहुत बुरा स्कोर है अभी तक क्योंकि भाई विकटें इतनी उड़ गई हैं भाई, इसलिए बुरा स्कोर कह रहा हूँ, वरना ये इतने ओवर के हिसाब से भाई बहुत अच्छा स्कोर है। और भाई बच गया, अबे भाई बोल होता होता बचा हूँ यहाँ पे। डी सिंह अर आए हैं बॉलिंग पर, पहला ओवर है इनका और रिजवान ऑन स्ट्राइक, पहले ओवर में ही कूट खाना चाहते हो क्या? बैक फुट ट्राई की है और यहाँ पे चौका हो जाएगा, चौका हो जाएगा और नहीं भाई चौका नहीं हुआ, फील्डिंग काफ़ी अच्छी हो रही है और यहाँ मिस फील्ड भी होगी क्या? नहीं मिस फील्ड नहीं हुई भाई, यहाँ पे डबल तो हमारे हाथ में आ गई है। 48 स्कोर मोहम्मद रिजवान और डी सिंह गैरी को पहली बॉल पर 2 स्कोर पड़ा और दोबारा से हम पीछे की ट्राई करेंगे। ओ भाई हमारे प्लेयर को ही लग गई यार, ऐसे ना करो, हमारे प्लेयर को ही तुम लोग मार रहे हो, रिजवान ही हमारा इंजर्ड कर दोगे, खेलेगा कौन भाई? यही बच्चा अब खेलने वाला, और कोई खेलने वाला बच्चा ही नहीं है। दोबारा से बैक फुट में मारी और इस बार तो फील्डर ने जल्दी पकड़ लिया भाई, फील्डर के पास ही गई है बॉल, तो 49 स्कोर हो गए हैं मोहम्मद रिजवान के। यहाँ पे हमारी टीम बिल्कुल परेशान बैठी हुई है और यहाँ पे एक रन चाहिए रिजवान को, उसके बाद भाई साहब सारी परेशानी है, तब मिस हो गई भाई शादाब से, रिजवान की 50 के चक्कर में मैं शादाब से बहुत बॉले मिस करा रहा हूँ भाई। यहाँ पे पुश अगेन ट्राई करूँगा, वही चीज़ नहीं भाई, वही चीज़ नहीं, इधर मैं बोल्ड हो तो सकता था अगर ये डिलीवरी कोई और होती भाई, मैं मजाक कर रही है यार, क्या हो गया भाई? शादाब खान यहाँ पे बहुत स्लो स्ट्राइक रेट जा रहा है शादाब का यार, अगेन स्ट्रोक ट्राई करूँगा इस बार और नहीं रन नहीं लूँगा क्योंकि अगले ओवर में दोबारा से रिजवान को स्ट्राइक पर लेंगे भाई, इस तरह नहीं, आखिरी बॉल में जाके मैं उसको ले लूँ ये तो नहीं भाई, पहली बॉल तो कुछ गड़बड़ की वजह से चले गई हमारी। यहाँ पे पुश ट्राई की और यहाँ पे रिजवान की 50 हो गई है भाई साहब, काफ़ी अच्छी 50 गई है भाई, स्ट्राइक रेट भी काफ़ी अच्छा था और परफेक्ट टाइमिंग के साथ ये शॉट मारी और अब खुश हुए ना भाई, पहले उदास बैठे हुए थे यार, ऐसे तो नहीं होता भाई, एक छक्का और 7 चौकों के साथ काफ़ी अच्छी जो है गई है 50। यहाँ पे स्ट्रोक ट्राई करेंगे अगेन पीछे की, इस बार उम्मीद है अच्छी टाइमिंग और अच्छी टाइमिंग हुई और यहाँ पे चौका निकल गया भाई, काफ़ी टाइम के बाद हमें चौका मिला भाई, चौका बहुत खुशनसीबी से मिला यार, चौके के लिए बहुत खुश होना चाहिए यार, जिस तरह हमें चौका मिला। यहाँ पे अगेन पुश ट्राई करूँगा और यहाँ पे पुश तो निकल गई बट सिंगल हो जाएगी भाई, डर पड़ गया था मुझे आउट ना हो जाऊँ यहाँ पे क्योंकि भाई ये दोनों बैट्समैन ही है लेके जाने वाले और कोई भी नहीं है। और भाई यहाँ पे सेकंड लास्ट बॉल है ओवर की, 50 तो कंप्लीट हो गई है रिजवान की बट यहाँ पे पुश अगेन ट्राई, ओ भाई बच गया, यहाँ पे मैं अगेन बोल्ड हो सकता था बट फिर भी हमें चांस मिला और हम बोल्ड नहीं हुए भाई। दोबारा से पुश ट्राई करूँगा, बॉल उधर की थोड़ी ऑफ स्पिन होएगी, ओ भाई अबे भाई इतनी कम स्पिन हुई यार, कोई शेन वॉर्न तो बन यार, ऐसे तो ना कर पे भाई। यहाँ पे ए शेख आया बॉलिंग पर, यहाँ पे बैक फुट तो बनती है भाई, बैक फुट पे तो छोड़ना नहीं मैंने बट यहाँ पे सिंगल ही हमारे पास आएगी और 8 रन हो गए। शादाब खान ओवर थ्रो बट फील्डर इनके बहुत तेज हैं भाई, बहुत जल्दी आगे आ जाते हैं, हमारा चौका है मतलब ओवर थ्रो पे एक और रन भी नहीं लेने देते भाई। यहाँ पे रिजवान ऑन स्ट्राइक अगेन बैक फुट, अच्छी टाइमिंग हो जाए, नहीं भाई ही हो यार, रिजवान भी आउट हो गया यार, अब कौन बैटिंग करेगा मुझे तो अब ये समझ नहीं आ रही भाई। यहाँ पे शहीन शाह अफरीदी आए हैं और देखते हैं अब आखिरी सहारा जो है ना भाई शादाब ही है और कोई भी सहारा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ के पीछे की ट्राई करते हैं और यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 रन तो हमारे हाथ में आ जाएंगे भाई, इजीली 2 आ जाएंगे, इजी 2 हैं भाई, 143.7 विकेट्स के नुकसान पर, क्या हम 180 तक पहुँच सकेंगे कि नहीं भाई?
अब देखते हैं 180 तक हम पहुंच सकते हैं या नहीं भाई साहब। यहाँ पे ओवर भी हमारे 15.3 हो गए, दोबारा से यहाँ पे दो अगेन हमारे हाथ में आ जाएंगे। इजी दो है भाई, इजी है। और यहाँ पे दो बॉलों पर 4 रन शाहीन शाह अफरीदी। और यहाँ पे भाई ए शेख का पहला ओवर है और पहले ओवर में ही ए शेख विकेट ले गए हैं भाई। दोबारा से वही शॉट ट्राई करेंगे, इस बार थोड़ी बॉल ऊपर है बट लग गई। यहाँ पे सिंगल दोबारा हमारे पास आ जाएगी भाई। यहाँ पे लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, लास्ट बॉल पे देखते हैं क्या हुआ है। अभी तक तो अच्छा ओवर जा रहा है शेख का, काफ़ी अच्छा ओवर जा रहा है, सिर्फ अच्छा नहीं कह सकते, जिस हिसाब से हमारा जो है रन रेट जा रहा है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा ओवर जा रहा है। लॉफ्ट ट्राई किया और भाई यहाँ पे चौका मिल जाएगा भाई। जिस तरह की टाइमिंग हुई थी वैसे मिलना तो छक्का चाहिए था, बट चौके में ही खुश रहना चाहिए भाई। ये दो बॉल दोबारा ग्लिच की वजह से थोड़ा चल गई, बट यहाँ पे सिंगल अगेन हो गई है। और भाई ये डी सिंह एरी का जो है ना ओवर चल रहा है, इसका पहला ओवर भी काफ़ी अच्छा गया था और दूसरा ओवर भी अभी तक अच्छा ही जा रहा है, बुरा तो नहीं जा रहा भाई। यहाँ पे शॉट ट्राई की और सिंगल अगेन भाई। यहाँ पे जो है ना दोबारा से शाहीन शाह अफरीदी स्ट्राइक पर आ गया। 152, 7 विकेट्स, 16.4 ओवर्स हो गए हैं भाई शाहीन शाह अफरीदी। थोड़ी शॉट्स की तो ज़रूरत है बट अभी ट्राई नहीं कर सकता भाई साहब। कमेंट्री तो काफ़ी अच्छी हो रही है, बस थोड़ी बहुत इंग्लिश भी है, जो तो डेरी मॉरिसन बन जाऊँगा पूरा भाई। यहाँ पे अगेन जो है ओवर थ्रो हुई बट रन एक हाथ में और नहीं आ सका भाई। यहाँ पे शदाब खान ऑन स्ट्राइक, 17th ओवर की लास्ट बॉल है और भाई यहाँ पे स्ट्रोक ट्राई करूँगा मैं। तो यार अभी 18th ओवर चल रहा है, यहाँ पे 4th बॉल है और शादाब खान ऑन स्ट्राइक है। यहाँ पे बॉल कराई और भाई काफ़ी टाइम के बाद एक चौका लगा यार, काफ़ी टाइम से मैं इंतज़ार कर रहा था। तो यार यहाँ पे 18 ओवर कंप्लीट हो गए हैं और लास्ट 2 ओवर्स रह गए हैं, ये फुल पावर हिटिंग वाले ओवर्स हैं। और यहाँ पे पहली बॉल पर 6 भाई, काफ़ी लंबा छक्का गया, अच्छा गया भाई शदाब खान की तरफ से, काफ़ी अच्छा छक्का था भाई। 173 स्कोर हो गया 7 विकेट्स के नुकसान पर। यहाँ पे 31 हो गया शदाब खान का, अब तो फुल पावर हिटिंग चलेगी और अगेन 6 भाई साहब। यहाँ पे अगेन स्ट्रेट का 6 स्पेशल शॉट के साथ भाई 179 हो गए हैं। और यहाँ पे शदाब खान के 37, यहाँ पे अगर ये मैच हम जीत जाते हैं तो शदाब की तो फिर मैच विनिंग इनिंग्स होंगी भाई साहब। यहाँ पे 183 रन्स हो गए हैं शदाब खान के, 41 स्कोर होंगे ए शेख 5th बॉल। और यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, और भाई सीधा टेढ़ पे लग गया हमारे जाके। यहाँ पे इस बॉल पे तो कुछ भाई चौका ना छक्का ना सिंगल डबल कुछ भी हाथ में नहीं आया, बट इस बॉल में ट्राई करेंगे भाई, इस बॉल पे नहीं छोड़ना। और यहाँ पे हमने स्ट्रोक ही मारी है ताकि अगले ओवर में शदाब खान जो है स्ट्राइक पर आ सके, क्योंकि यार शाहीन के जो है ना टाइमिंग थोड़ी स्लो है, मतलब कम टाइमिंग है, जिसकी वजह से हम उससे मार नहीं सकते। लास्ट ओवर स्पिनर का दे दिया भाई, बहुत मुश्किल होगी। और यहाँ पे पसली वाला शॉट फुल गया भाई और चौका ही मिला भाई, मैंने समझा छक्का चल जाएगा यार, इतना अच्छा हो जाता छक्का चल जाता। 46 स्कोर हो गया, 4 स्कोर और चाहिए 50 के लिए भाई साहब, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। जब उधर का मैंने कर ही लिया, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा और भाई छक्का हो गया। पहले मैं रुक इसलिए गया था कहीं छक्का रुक ना जाता। और यहाँ पे 25 बॉल्स पर 52, 3 छक्के 5 चौके भाई, काफ़ी अच्छी इनिंग्स गई है। 4 बॉल्स रहती हैं, यहाँ पे शदाब खान ऑन स्ट्राइक अगेन स्पेशल खेलेंगे भाई। छक्का होता या चौका, चौका भाई चौका ही हुआ, ये छक्का हो जाता भाई बहुत अच्छा होता। 56 स्कोर हो गया शदाब के। और यहाँ पे थर्ड लास्ट बॉल है भाई, सेकेंड नहीं है। ओ भाई अबे इतनी लूज शॉट चले गई भाई, कैच हो गया यहाँ 56 पर, शदाब खान भी आउट हो गया। मैं सोच रहा था 200 पार कर जाएगा,
बट अब जो हमारे पास ब्रूट बैट्समैन आया भाई, इसकी शॉट्स तो कुछ अलग ही हैं। तो मारेंगे इससे ही मारेंगे भाई, नसीम से ही मारेंगे, फुल पीछे अड़ जाते हैं भाई साहब। और भाई नसीम शाह से पहली बॉल पे छक्का, भाई ऊपर देख सकते हो आप टाइमिंग नसीम की बिल्कुल नहीं है, और इतनी टाइमिंग पे मैंने मारा छक्का यहाँ पे लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स। 204 तो ऐसे ही हो गए, वही शॉट अगेन, बट भाई सिंगल और डबल आ जाएगा, डबल आ जाएगा। 206 हो गए हैं भाई यहाँ पे, 207 का टारगेट है नेपाल को। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।